हेलो स्टूडेंट्स आई चंद्रेश भांगे लेक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर और सब्जेक्ट नेम इज़ माइक्रोवेव एंड रडार और चैप्टर नेम इज रडार फंडामेंटल एंड और टॉपिक नेम इज़ स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग इन रडार सिस्टम दोस्तों अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रडार एप्लीकेशन नेविगेशन में टारगेट फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है ऐसे एप्लीकेशन अपन ने कहाँ कहाँ रडार यूज किया जाता है वो अपन ने अभी तक अपन ने पढ़ा है बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ रडार रडार कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है रडार कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है कैसे वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल कैसे वो रिसीव करता है वो अपन ने बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ रडार में पढ़ा थर्ड है बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ पल्स रडार एंड इट्स एप्लीकेशन पल्स के मदद से यानी ट्रेन ऑफ पल्स के मदद से ऑब्जेक्ट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो अपन ने पल्स रडार में पढ़ा था नेक्स्ट है कोर्स आउटकम कोर्स आउटकम क्या होता है कोर्स आउटकम में यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अपना आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है ये है इंटरप्रेट रडार जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बेस सिस्टम फॉर रेंज डिटेक्शन उसके बाद है यूनिट आउटकम यूनिट आउटकम क्या होता है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट स्केचेस द गिवन टाइप ऑफ स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग मेथड्स यूज फॉर रडार कम्युनिकेशन सेशन आउटकम यह अपन टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है लीज द स्कैनिंग मेथड यूज फॉर द रडार यानी रडार में जो टारगेट को स्कैन करने के लिए जो स्कैनिंग वेरियस मेथड्स है वो कौन से है वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट है एंटीना ट्रैकिंग कौन सी है जो लीज द एंटीना ट्रैकिंग मेथड यूज इन रडार सिस्टिंग किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट इसे पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना जरूरी है जैसे हो क्या माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल एंड माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर ये चार फैक्टर वो फैक्टर है जो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है जिस पे रडार काम करता है यानी सिग्नल को पहले यानी पहले सिग्नल कौन कौन से होते हैं वी एच एफ फ्रिक्वेंसी यूएचए फ्रिक्वेंसी सेकेंड जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए लगता है जिसे कहते हैं अपन ट्रांसमिटर उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है थर्ड माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल वो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है जो मीडिया से जाता है उसे कहा जाता है चैनल वो चैनल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है नेक्स्ट है माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर यानी जो सिग्नल ऑब्जेक्ट को या टारगेट को टकरा के वापस आता है उसको वो सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी रहता है और उसके रिसीव करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी रिसीवर की ज़रूरत रहती है तो उसके रिसीवर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है नेक्स्ट है अपन बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ रडार यानी रडार जो है वो बेसिक कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है वो आपको बेसिक उसका प्रिंसिपल पता होना जरूरी है ये डायग्राम से अपन एक्चुअल में किस तरीके से ये टॉपिक में क्या होने वाला है अपन देखते हैं देखिए दोस्तों इसमें अपन ने ये है एंटीना एंटीना ने एक पल्स यहां से छोड़ते हैं और जो टारगेट यानी ऑब्जेक्ट पे टकरा के यहाँ पे कुछ समय के लिए इसको स्कैन किया गया मेजर लेवल पे स्कैन हुआ और ये जैसे आप देख रहे हो पल्स जा रही है ऑब्जेक्ट के तरफ इसको टकराते बराबर जब ये वापस होके रिटर्न आएंगे तो यहाँ पे ये ब्लिंक होता है नेक्स्ट है एंड तो सबसे पहला ये स्कैनिंग कौन कौन से होते हैं तो चार टाइप के स्कैनिंग होते हैं दोस्तों एक है हॉरिजेंटल स्कैनिंग एक है वर्टिकल स्कैनिंग एक है हेलिकल स्कैनिंग एक है स्पाइरल स्कैनिंग तो सबसे पहले अपन देखते हैं हॉरिजेंटल स्कैनिंग के बारे में हॉरिजेंटल स्कैनिंग किस तरीके से टारगेट को ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है वो अपन देखते हैं या कोई इमेज में दिख रहा होगा हॉरिजेंटल स्कैनिंग हॉरिजेंटल स्कैन इज द सिंपलेस्ट एंटीना स्कैन बट डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कैनिंग द हॉरिजेंटल प्लेन ओनली हैविंग द देर आर मेनी एप्लीकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग यानि हॉरिजेंटल स्कैनिंग एक सिंपलेस्ट एंटीना है लेकिन ये सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्कैन करता है दोस्तों वर्टिकल डायरेक्शन में स्कैन नहीं करता है इसलिए नेक्स्ट स्कैनिंग मेथड अपन यूज करते हैं जिसका नाम है नोडिंग एंटीना स्कैनिंग जो अपना इसका नेक्स्ट ये है नेक्स्ट टॉपिक है तो सबसे पहले नोडिंग स्कैन नोडिंग स्कैन इज द प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग द रडार एंटीना रैपिडली इन एलिवेशन यानी इसमें रडार का जो एंटीना होता है वो अपन रोटेट करते हैं ऊँचाइयों तक है, यानी यहाँ से कंटिन्यूसली रोटेशन शुरू होता है एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई नेक्स्ट है नेक्स्ट थर्ड है हेलिकल एंटीना स्कैनिंग हेलिकल एंटीना स्कैनिंग क्या होता है कि यहाँ पे इस स्कैनिंग में एंटीना टारगेट को फाइंड करने के लिए कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर रोटेट किया जाता है जो अपना एंटीना रहता है उसे तो यहाँ पे हेलिकल स्कैनिंग इस तरीके से रहता है और लास्ट होता है स्पाइरल स्कैनिंग स्पाइरल स्कैनिंग में जहाँ सर्कुलर शेप का टारगेट हो और उसका लिमिटेड एरिया को स्कैन करना है तो स्पाइरल स्कैन यूज करते इफ द लिमिटेड एरिया ऑफ मोर और लेस सर्कुलर शेप इज covered, then the spirals can may be used. Next है दोस्तों कोई भी target को track करने के भी कुछ methods होते हैं वो अपन track करने के method यहाँ पे पढ़ेंगे तो सबसे पहले target को track करने के लिए कुछ है sequential tracking। सबसे पहले सिक्वेंशियल ट्रैकिंग को टारगेट को ट्रैक करने के कुछ टाइप्स सबसे पहला है सिक्वेंशियल ट्रैकिंग सिकवेंशियल ट्रैकिंग डिपेंड करता है एंटेना के सिग्नल पैटर्न में जिसे हम लोबिंग कहते हैं उसे उसके विड्थ पे यानी ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है बीम पोजिशन ए ये एक लोबिंग हो गया ये बीम पोजिशन भी एक दूसरा लोबिंग हो गया और इसके बीच में आपको जो दिख रहा है वो है ट्रैकिंग एक्सिस ये अपना ऑब्जेक्ट है तो सिक्वेंशियल ट्रैकिंग जो आपको दिख रहा है ये इसी के साइज़ पे डिपेंड करता है या ये टारगेट के पोजीशन पे यानी यह बीम एक्सिस पे है या ये टारगेट एक्सिस पे है इसी तो कंडीशन एक रह सकती है अगर यहाँ पे अगर टारगेट बीम एक्सिस ए और एक्सिस बी के बीच में है यानी यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं अपना जो टारगेट है ये बीम पोजीशन ए और बीम पोजीशन बी के अगर सेंटर में है तो इसे ट्रैक ट्रैकिंग एक्सिस पे है तो उसे जीरो एरर कहा जाता है इसे कहा जाता है जीरो एरर कंडीशन बी में क्या होता है जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर टारगेट की पोजीशन बीम पोजीशन बी पे है यानी बीम पोजीशन बी पे है या फिर बीम पोजीशन ए पे है तो उसको नॉन जीरो एरर कहा जाता है यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होता है इसलिए इसे नॉन जीरो वेन द टारगेट बिंग ऑफ द एल ओ एस सिग्नल एल ओ एस क्या होता है लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट का मतलब ये जो टारगेट है ये एक कौन सी साइट में डिपेंडेड ट्रैकिंग एक्सिस पे है या फिर बिम पोजिशन ए पे या बिम पोजिशन बी पे हाँ अगर वो ट्रैक ए, ट्रैकिंग एक्सिस पे है तो वो जीरो एरर है लेकिन ये एक ट्रैकिंग एक्सिस छोड़ के अगर बीम पोजीशन ए पे है या फिर बी पे है तो वो हो गया नॉन जीरो एरर सिग्नल नेक्स्ट है दोस्तों कोनिकल स्कैनिंग कोनिकल स्कैनिंग आपको इस तरीके से दिख रहा होंगे दिखिए यहाँ पे एक पल्स है ये पल्स टोटली ये एक सिग्नल को सेंड कर रही है और जहाँ पे और वो कंटिन्यू रोटेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मोटर और मोट और जहां पे ये टारगेट है वो टारगेट से टकरा के वापस आता है तो ये है कोनिकल स्कैनिंग कोनिकल स्कैन पैटर्न एज शोन इन बी कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द रोटेटिंग फीड ड्रिवन बाय द मोटर इन हाउसिंग एट द रेयर ऑफ द डिश इस कैन में रडार मोटर की मदद से टारगेट को पोजीशन पर रोटेट किया जाता है जिसकी इमेज में दिख रहा है है जिसमें टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है द एक्सिस ऑफ द रडार लोब इज मेड टू स्वीप आउट द कोन ऑफ द स्पेस और लास्ट ट्रैकिंग मेथड है दोस्तों मोनोपल्स मोनोपल्स रडार क्या होता है इज मोनोपल्स रडार इज अ रडार सिस्टम दैट यूजेज द एडिशनल इनकोडिंग ऑफ द रडार सिग्नल टू प्रोवाइड एक्यूरेट डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन यानी ये जो रडार है ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल एक्यूरेट डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन अपने को फाइंड आउट करके देता है मोनोपल्स और ये मोनोपल्स की जो पल्स अपन जो टारगेट का तरफ सेंड करते हैं वो एडिशनल इनकोडिंग रहता है ज़्यादा रहता उस पर कोडिंग की जाती है तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी हाई रहती है तो इस तरीके से ये तीन ट्रैकिंग मेथड हो गई है एंटीना ट्रैकिंग टाइप्स एक है सिक्वेंशियल एक है कोनिकल एक है मोनोपल्स ये एक्चुअल स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग रडार है जो वर्ल्ड में यूज किया जाता है दोस्तों अपन ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है वो अपन रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले अपन ने पढ़ा वेरियस स्कैनिंग मेथड इन रडार सिस्टम कौन कौन से स्कैनिंग मेथड पढ़े एक है हॉरिजेंटल स्कैनिंग एक है वर्टिकल स्कैनिंग एक है हेलिकल स्कैनिंग और एक है स्पायरल स्कैनिंग इसके बारे में डिटेल में अपन ने पढ़ा है उसके बाद वेरियस ट्रैकिंग मेथड इन रडार सिस्टम जो अपन ने तीन मेथड पढ़े हैं ट्रैकिंग के एक है सिक्वेंशियल ट्रैकिंग सेकंड कॉनिकल ट्रैकिंग और थर्ड मोनो ट्रैकिंग इस तरीके से अपन ने यहाँ पे पढ़ा है एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्सप्लेन द रिलेटिव स्केज द स्कैनिंग मेथड यूज फॉर रडार ये एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड लीड एंटीना ट्रैकिंग मेथड्स यूज इन रडार सिस्टम एक्सप्लेन इन एनी वन ऑफ देम यानी इस तरीके से दो टाइप से क्वेश्चन इस पे यानी स्कैनिंग मेथड पे और ट्रैकिंग मेथड पे पूछे जाते थैंक यू दोस्तों